हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनदीप कंबोज है। आज हम लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है हेल्थ। हम जानते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो अच्छा दिखें। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पिछले 43 इयर्स से 160 देशों में अपने बहुत ही हाई क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। कंपनी के हज़ारों एकड़ के अपने एलोवेरा के खेत हैं और कंपनी बी हाइव में भी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। जैसे हम सब ने एलोवेरा के बारे में सुना ही होगा कि एलोवेरा की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट 400 के आसपास इसकी वेराइटीज़ होती हैं। उनमें सबसे बेस्ट जो एलोवेरा की वैरायटी मानी जाती है वो है एलो बारबाडेंसिस मिलर। फॉरएवर जो है वो सिर्फ एलो बारबाडेंसिस मिलर जो है उसी वैरायटी की खेती करते हैं। एलोवेरा में औषधीय गुण आने में ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का समय लग जाता है। सो हमारी कंपनी 3 से 4 साल का समय उन पौधों को ग्रो करती है। जब वो पत्ते पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तभी उन पत्तों को काटा जाता है और उनको ऑलमोस्ट 4 घंटे के भीतर भीतर प्रोसेस कर दिया जाता है, ताकि उनके अंदर जो गुण हैं, जो विटामिंस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ पैक की जा सकें, न्यूट्रिशन लॉस ज़्यादा ना हो। हमारा जो एलोवेरा है वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड है। मतलब वो बॉडी जो एलोवेरा के ऊपर रिसर्चेस करती है कि ये एलोवेरा की वैरायटी कौन सी है, इसको पैदा कैसे किया गया है और इसको पैक कैसे किया गया है। सो हम अश्योर हो सकते हैं जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं कि हम जो एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हमारे हज़ारों एकड़ के जो खेत हैं इनमें किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड या कोई केमिकल या कोई हर्बिसाइड यूज़ नहीं करते, ताकि आपको बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा मिले। हमारा एलोवेरा कॉशर सर्टिफाइड भी है, इसको एम हलाल सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है। कंपनी के पास बहुत बड़ी रेंज है, एलोवेरा ड्रिंक्स, बी हाइव प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलोवेरा, जो हमारे ड्रिंक्स हैं उनसे। ये है हमारा एलोवेरा जेल, इसमें होता है प्योर एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हम सब ने सुना हुआ है, एलोवेरा कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम मैनकाइंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है इसके बारे में कि इसको पुराने समय से ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। सो एलोवेरा क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है? ये अपने आप में एक डिटॉक्सिफायर है, ये एक क्लींजर है। हम रोज़ सुनते हैं बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, बॉडी को साफ रखना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। सो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में हमारे पास कई ड्रिंक्स आते हैं। एक तो नॉर्मल एलोवेरा है जो प्योर एलोवेरा है, और फिर एलोवेरा के अंदर कई चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ताकि आप उनके भी बेनिफिट्स ले पाएँ। जैसे ये है हमारा एलोबेरी नेक्टर, इसमें एलोवेरा के गुण तो हैं ही, साथ में इसके हैं क्रैनबेरीज़। क्रैनबेरीज़ अपने आप में ही एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, जो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट है। तो इसमें एलोवेरा जूस और साथ में क्रैनबेरी का जूस और एप्पल का जूस हमें मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक एज ए टॉनिक का काम भी करता है, एक बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट का काम करता है। सो हम एलोवेरा जेल या नेक्टर, या हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रिंक है वो है एलो बिट्स एंड पीचेस। सो नाम से ही पता चलता है कि उसमें क्या होगा, एलोवेरा प्लस साथ में पीचेस। पीचेस के बारे में हम सब जानते हैं, विटामिन ए रिच होता है और पीचेस जो हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और टेस्ट जो है प्योर जो एलोवेरा होता है उसका थोड़ा खट्टा होता है, हल्का नींबू जैसा, थोड़ा बकबका सा लगता है जब आप शुरू में पीते हैं। 5-7 बार पीने के बाद हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है। सो बच्चे जनरली जो नॉर्मल, जिसको हम प्योर एलोवेरा कहते हैं, उसको जनरली थोड़ा लाइक नहीं करते स्टार्टिंग में। इसीलिए जब उनको बिट्स एंड पीचेस या एलो मैंगो या नेक्टर हम टेस्ट करवाते हैं, थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, तो धीरे धीरे बच्चे अपना टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। सो आप बहुत सारे एलोवेरा के तरीके हैं इसको पीने के, इनमें से कोई भी ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो ड्रिंक है ये है एलोवेरा मैंगो। सो एलोवेरा मैंगो में क्या है, बेसिकली
एलोवेरा, साथ में कुछ मैंगो प्यूरी, ताकि आपको एलोवेरा जो है उसके गुण तो मिले हैं, साथ में ही जो मैंगो के गुण हैं आप उनका भी फ़ायदा ले पाएँ। सो आप अपनी मॉर्निंग को शुरू कर सकते हैं किसी भी एलोवेरा ड्रिंक के साथ। नेक्स्ट हमारा जो ड्रिंक है वो है एलोवेरा से बना हुआ हमारा फॉरएवर फ्रीडम। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी हेल्थ केयर के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें हमारे जॉइंट्स की, लुब्रिकेशन की, जैसे हम जानते हैं हम सब जो है हेल्दी एक्टिव फिट रहना चाहते हैं, तो एक्टिव फिट रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जो जॉइंट केयर है उसके ऊपर बड़ा अच्छा ध्यान हम दें। सो जॉइंट्स की केयर के लिए हमें बहुत सारा ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रॉइटिन, MSM, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो कंपनी ने एलोवेरा के गुण जो हैं वो प्लस ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बनाई है, जिसको फूड सप्लीमेंट के रूप में हम सब, हमारे पेरेंट्स स्पेशली बुज़ुर्ग है ना, इसको एक फूड सप्लीमेंट के रूप में हम चाहें तो डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं, मेरी फैमिली काफ़ी समय से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और मैं इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आप भी इन प्रोडक्ट्स को जब ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है आप भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अब हम बात करते हैं एक बड़े ही स्पेशल प्रोडक्ट की, वो है हमारा फॉरएवर बी हनी, मधुमक्खियों का शहद। जैसे हम सब जानते हैं मधुमक्खियों के शहद के बारे में भी, इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्पेन की हाई माउंटेन्स पे होती है और हम समझ सकते हैं कि हाई माउंटेन पे लेड के पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए जो हनी की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया और आज 14 साल हो चुके हैं मैं इस प्रोडक्ट का फ़ैन हूँ। दिन में 2-3 बार मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं वो चीनी को रिप्लेस करें। जगह जगह पर हम सुनते हैं जो स्वीटनर्स होते हैं या जो चीनी जो होती है उसको लोग कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। हम उसको रिप्लेस करते हैं किस चीज़ के साथ, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। हमें अगर नींबू पानी पीना है तो उसमें चीनी के बजाय हम हनी मिक्स कर सकते हैं। अगर हमने दूध पीना है उसमें हनी मिक्स कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब हम हनी यूज़ करते हैं तो इसको कभी गर्म नहीं करना होता, या कह लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में भी इसको नहीं डालना होता। नॉर्मल जो ल्यूक वार्म पानी है, बॉडी टेम्परेचर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें इसको यूज़ करना होता है। और अब हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट की, ये है हमारा एलो बॉडी वॉश। जैसे हम सब चाहते हैं कि हमें नहाने के लिए एक बहुत अच्छी, एक प्रीमियम चीज़ मिले, तो मैंने जब इसको यूज़ किया मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। क्योंकि रीज़न क्या है, ये हमारे एलोवेरा से बना हुआ है और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जब इससे हम नहाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बॉडी सॉफ्ट सपल लगती है और एक फ्रेशनेस आती है। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। और ये है बड़े ही कमाल का प्रोडक्ट, एलो लिक्विड सोप। जैसे कि दिन भर हम बार बार हाथ धोते हैं, तो बार बार आप किस चीज़ से हाथ धो रहे हैं ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो बेस है वो एलोवेरा है। बचपन से ही मैंने एलोवेरा के बारे में बहुत कुछ सीखा, तो मेरे को इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा पता है। मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। इसका यूज़ बड़ा ही सिंपल है, जस्ट इसकी 2-3 ड्रॉप्स लेकर हम हाथों को बड़ा ईजिली धो सकते हैं। और ये है हमारा एलो फर्स्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जैसे हम सब अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, इसके साथ में स्प्रेयर भी आता है। मैं अपनी स्किन के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता हूँ। आप अपने हाथों पे, पूरी बॉडी पे, कहीं पे भी स्किन के ऊपर इसके स्प्रे कर सकते हैं। एलोवेरा इसका बेस है और एलोवेरा हम सबको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक के रूप में काम करता है। रेगुलर यूज़ हम चाहें तो इस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो इन चीज़ों से मिलता रहता है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी बड़ा हेल्पफुल होता है। ये हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा टोनर, कंडीशनर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हर्ब्स। तो बेसिकली इसका जो यूज़ है, जैसे मौसम चेंज होता रहता है, हम बार बार हाथ धोते हैं तो कई बार हम फील करते हैं हमारी स्किन जो है, हमारे हाथ जो हैं वो थोड़ा ड्राई है, या कई बार नहाने के बाद हमें अपनी स्किन जो है वो थोड़ा ड्राई फील होती है, तो उस समय हम एलो फर्स्ट का ये स्प्रे के रूप में होता है। इसमें बॉटल है और साथ में एक स्प्रेयर मिलता है, पूरी बॉडी पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि एलोवेरा जो है वो बॉडी के ऊपर लग जाए और बॉडी में
हल्का फुल्का मॉइस्चर आ जाए, बॉडी एकदम से ड्राई ना फील हो, क्योंकि ड्राइनेस जो है वो स्किन में बहुत सारे चैलेंजेस पैदा करती है और एजिंग कॉज करती है। तो हम एलो फर्स्ट का रेगुलर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें। और ये है हमारा एलो होहोबा शैम्पू। इसमें एलोवेरा है, साथ में होहोबा सीड्स हैं, कुछ और भी हर्ब्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे स्काल्प के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जनरली हमने देखा है आजकल बहुत सारे ऐसे शैम्पूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कहने को तो बालों को शाइनी बनाते हैं बट कहीं ना कहीं बालों के जो रूट्स हैं, हमारी जो स्कैल्प है, जो सर की जो चमड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी लोड कर देते हैं। तो वहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एलोवेरा बेस से बना हुआ ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने बालों की अच्छी केयर कर पाएँ। और ये है हमारा एलोवेरा से बना हुआ कंडीशनर। अगर आप इसका भी नाम देखेंगे, एलो होहोबा कंडीशनर, होहोबा ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बालों के केयर के लिए इतनी अच्छी चीज़ बनाई, ये है कंडीशनर, जिसका बेसिक काम क्या है, जब हम शैम्पू से बालों को धोते हैं तो बाल साफ हो जाते हैं। तो साफ होने की वजह से बालों में जो तेल था, चिकनाई थी, नमी थी, वो सब बाहर निकल जाता है। तो बाल हमें थोड़ा रूखे भी लगते हैं, ड्राई लगते हैं। सो बालों को कंडीशन करने के लिए, उनको हल्का मॉइस्चराइज करने के लिए, है ना, उसके लिए कंडीशनर्स यूज़ होते हैं। तो पहले हमने शैम्पू को यूज़ करना है और उसके बाद बालों में हमने कंडीशनर को अप्लाई करना है। उंगलियों की मदद से हम अपने बालों में इसको यूज़ कर सकते हैं और बाद में बालों को पानी के साथ धो लेते हैं तो बाल हमें उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट और सप्पल लगते हैं। और ये है हमारा प्रोटीन पाउडर। आज की डेट में पूरा यूथ जो है कहीं ना कहीं वो अच्छे प्रोटीन पाउडर की तलाश में रहता है। प्रोटीन पाउडर में दो चॉइसेस होती हैं, वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन। मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि सोया प्रोटीन जो है वो एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो जब सोया प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो हम समझ सकते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। इसमें बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स हैं, डेली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, जॉगिंग, रनिंग, कुछ भी करते हैं तो बॉडी को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में प्रोटीन की कमी होती है। तो अगर हम डेली प्रोटीन को यूज़ करें तो जो प्रोटीन की कमी है, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर इसको हम डेली लेते रहें तो उस कमी को भी हम दूर कर सकते हैं। और अच्छी हेल्थ और फिटनेस के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ, बहुत सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारा जो प्रोटीन है दो फ्लेवर्स में आता है। जैसे इसमें हम देखेंगे ये है वनीला। तो वनीला जो है वो बहुत पॉपुलर एक फ्लेवर है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं वनीला को। तो ये वनीला फ्लेवर है, आप खुद या बच्चों को इसको अच्छे से यूज़ करा सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं। और ये हमारा दूसरा फ्लेवर है फॉरएवर अल्ट्रालाइट चॉकलेट। तो नाम से ही पता चलता है बेसिकली इसका जो फ्लेवर है वो चॉकलेट का है। तो जैसे बच्चे या इवन हम लोग भी चॉकलेट को ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, सो हमारे लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, वनीला या चॉकलेट। दोनों में से कोई भी फ्लेवर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आरजी प्लस। एल आर्जिनिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिकली उसका काम क्या होता है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करना ताकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं, वो अच्छे से खुल जाएं, अच्छे से काम कर पाएं। इस प्रोडक्ट में बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स हैं, डेली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम बेसिकली एलोवेरा जेल और आरजी प्लस दोनों को मिक्स करके मॉर्निंग में ले सकते हैं। उससे क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो एलोवेरा है और आरजी प्लस, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी बॉडी में फैलाते हैं, एक कैरियर का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करते हैं। तो पूरी बॉडी में जब न्यूट्रिशन मिलेगा, तरह तरह के विटामिन मिनरल्स जो इसके अंदर हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा। और ये है हमारा एलोवेरा से बना हुआ टूथपेस्ट। बेसिकली इसमें एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस क्रीम है, मिंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इट हैज़ नो फ्लोराइड। फ्लोराइड के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेट पर बहुत सारी रिसर्चेज मैंने देखी, तो कहीं ना कहीं फ्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट्स जब मैंने पढ़े तो मुझे ये था कि मैं ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करूं जिसमें फ्लोराइड ना हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने यहाँ पे पढ़ा नो फ्लोराइड। सो हम इस टूथपेस्ट को
डेली यूज़ कर सकते हैं। और हमारे गम्स के लिए एलोवेरा है, बी प्रोपलिस है, मिंट है, ये सब कुछ हमारे गम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब हम बात करेंगे बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि डीओ यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पर्सन अपनी बॉडी ओडर का ध्यान नहीं करते तो वो पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है मार्क बन जाता है। सो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए डीओ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज हम बात करेंगे बड़े ही इम्पॉर्टेंट डीओज के बारे में। हमारे पास तीन डीओज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ायर बाय फॉरएवर, जो कि मेल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लाइट सी फ्रेग्रेंस जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है ये फीमेल के लिए डिज़ाइन किया गया है, ड्रीम बाय फॉरएवर। ये स्पेशली फीमेल के लिए डिज़ाइन किया गया है। फीमेल इसकी फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो ये डीओज हैं इनमें कोई एल्युमिनियम सॉल्ट्स नहीं है। एल्युमिनियम सॉल्ट्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो बहुत डेंजरस होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि पोर्स के थ्रू वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वहाँ ब्लॉकेज कॉज करते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा तरह की वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जो डीओज हैं इनमें कोई एल्युमिनियम सॉल्ट्स नहीं है। हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है ये एक डीओ स्टिक है, मेल फीमेल कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत सालों से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। आप जब इसको यूज़ करेंगे आई एम श्योर आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं हम सब बहुत ज़्यादा डीओ को यूज़ करते हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसका रीज़न है, मार्केट में बहुत सारे मैंने ऐसे डीओ देखे जिनमें एल्युमिनियम सॉल्ट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। तो यहाँ हमें मौका मिलता है एक ऐसा डीओ यूज़ करने का जो एलोवेरा से बना हुआ है, जिसका जो बेस है वो एलोवेरा है। इसको डायरेक्टली हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और मैं इसको ऑलमोस्ट 14 साल से लगातार यूज़ करता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जेंटलमैन्स प्राइड। नाम से ही पता चलता है जेंटलमैन्स प्राइड। ये बेसिकली जब हम शेव करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए एक आफ्टर शेव लोशन का काम करता है। इसका भी जो बेस है वो एलोवेरा है, साथ में और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एक इररेजिस्टेबल फ्रेग्रेंस लगती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छा फील करता हूँ, एक सॉफ्टनेस फील करता हूँ मैं इसमें। सो इसको हम एक एलोवेरा बेस्ड आफ्टर शेव लोशन के रूप में रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइबर, फॉरएवर फाइबर जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कहा जाता है अगर हेल्दी रहना है तो बॉडी में फाइबर जो है ये डेली बेसिस पे कंज्यूम होता रहना चाहिए। सो फाइबर की आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ऐसा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं जो ज़्यादातर मैदे वगैरह से बना होता है, तो कहीं ना कहीं फाइबर की कमी जब होती है तो डाइजेशन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो फॉरएवर फाइबर को हम डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बारीक इसको पिसा हुआ होता है और बड़ा इजीली ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी जो फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। फाइबर को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। फाइबर को हम पानी में घोल कर पी सकते हैं, फाइबर को हम दही में डालकर पी सकते हैं, फाइबर को हम सब्जियों में मिक्स कर सकते हैं। आजकल बच्चे बहुत कम फाइबर लेते हैं, सैलेड फ्रूट्स या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम बच्चों की सब्जी में या कोई लिक्विड भी अगर हम उनको दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इसको डालकर दे सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत फाइबर बॉडी को मिलता रहे। फाइबर बॉडी को चलाने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और ये है हमारा फॉरएवर एक्टिव प्रो बी। ये बेसिकली प्रोबायोटिक्स हैं। जैसे कहा जाता है कि रोज़ हमारी बॉडी को प्रोबायोटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। सो प्रोबायोटिक भी कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत देर से लोग इसके बारे में जानते हैं। सो प्रोबायोटिक्स को हमें डेली यूज़ करना चाहिए। इसमें कैप्सूल की फॉर्म में 30 कैप्सूल्स होते हैं। डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एक कैप्सूल अगर हम लेते हैं तो जो हेल्दी प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, जिनका काम हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है, हमने जो खाना खाया होता है उसको अच्छे से पचाने में हेल्दी प्रोबायोटिक्स जो होते हैं
जो हेल्दी गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो रेगुलरली हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर सी प्लस। हम सब जानते हैं बॉडी के लिए विटामिन सी जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है बॉडी की क्लींजिंग करते रहना। तो बॉडी की क्लींजिंग के लिए अगर हम विटामिन सी को बॉडी में नहीं डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप को अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, क्लींज नहीं कर पाती। सो विटामिन सी जो होता है इसको डेली कंज्यूम हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें इसको बड़ा इजीली कंज्यूम करने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक टैबलेट फॉर्म में फूड सप्लीमेंट के रूप में मिलता है। सो दिन में दो बार एटलीस्ट हम इसको ज़रूर यूज़ करें ताकि बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड जो विटामिन सी है वो हमें मिलता रहे। ये है हमारा इमोब्लेंड। इमोब्लेंड जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट है। जितने भी प्रोडक्ट्स की आज हम बात कर रहे हैं ये सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं ताकि हमें जो बॉडी को कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं वो हम उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते रहें। इमोब्लेंड जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए एक बड़ा अच्छा फूड सप्लीमेंट है। आजकल जैसा लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो जाती है। सो अपनी इम्यूनिटी को हमेशा बेटर करने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है हम अच्छे फूड सप्लीमेंट यूज़ करते रहें। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली। बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें बहुत सारा एलोवेरा डला हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा एलोवेरा लेके उसको क्लियर करके इस ट्यूब में भर दिया गया है। जैसे एक ताज़े पत्ते से एलोवेरा निकलता है, हम कह सकते हैं ये उस टाइप का ही एक एलोवेरा प्योर जेल हमें यूज़ करने को मिलता है। इसको हम अपनी स्किन पे, हाथों पे, फेस पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा स्किन के लिए जैसे हम जानते हैं एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, टोनर है, कंडीशनर है। ये मल्टीपल लेयर्स के ऊपर स्किन की काम करता है। यही रीज़न है एलोवेरा बहुत पॉपुलर है, लोग इसको लगाते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हम जब एलोवेरा जेली क्रीम को कोशिश करें इसको इवनिंग टाइम में जब आप घर पे आ जाते हैं तब लगाएं और फेस को अच्छे से क्लीन कर लें ताकि जो भी धुआं, पॉल्यूशन कुछ भी हमारे फेस के ऊपर होता है वो पहले स्किन से उतर जाए, फिर हम एलोवेरा क्रीम लगाएं ताकि एलोवेरा के जो गुण हैं वो हमारी स्किन उसका पूरा बेनिफिट ले पाए। और ये है हमारी बी प्रॉपलिस क्रीम। बी प्रॉपलिस क्या होता है, बेसिकली मधुमक्खी जो अपना छत्ता बनाती है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बैक्टीरिया से बचाने के लिए अपने छत्ते के ऊपर एक लेप करती है, एक कोटिंग करती है जिसको बी प्रॉपलिस कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर से उस कोटिंग को उतार कर एलोवेरा में मिक्स करके इस क्रीम को बनाया जाता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, इसको आप रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ और मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगती है। और ये है हमारा सनस्क्रीन लोशन। हम सब जानते हैं सूरज की तेज जो किरणें होती हैं उनमें बहुत सारी हार्मफुल रेज भी होती हैं। तो जब हम सन में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को तो सनबर्न का भी सामना करना पड़ता है। हमारी स्किन के ऊपर जो सन की रेज हैं वो बहुत तरह तरह के डैमेजेस कॉज करती हैं, स्किन को रिंकल्स भी कॉज करती हैं, स्किन में एजिंग भी कॉज करती हैं। स्किन का कालापन तो हम सब जानते हैं कि सूरज की तेज़ जो धूप है वो स्किन को काला करती है। सूरज की जो किरणें हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं क्योंकि इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। तो इसलिए जो सजेस्टेड होता है कि आप दिन में 20 मिनट, हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 दिन अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है, जैसे 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक 15-20 मिनट अगर आप सन रेज लेते हैं बॉडी में वो बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए क्योंकि उससे हमें कुछ विटामिन डी जो है अमाउंट मिल जाता है डेली बेसिस पे। बट पूरे दिन भर जब हम सन रेज का सामना करते हैं तो उनसे बचने के लिए, हार्मफुल रेज से, हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें एक एलोवेरा क्रीम के साथ मिलता है 30 SPF, मतलब अपनी स्किन के ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं जिससे सूरज की जो हार्मफुल किरणें हैं जो हमारी स्किन को काला करती हैं वो वहाँ तक एंटर नहीं कर पाती और काफ़ी हद तक हम अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की बचपन से, जब हम छुट्टियाँ मनाने अपने गांव जाया करते थे, 5-10 दिन छुट्टियाँ जो होती थी हम खूब इन्जॉय करते थे अपने कज़न्स, ब्रदर्स सबके साथ।
और 10 दिन के बाद जब हम घर वापस आते थे, क्योंकि हम खेत में जाते थे, घूमते फिरते थे, है ना, ताज़े फल तोड़ा करते थे अपने खेतों में जाकर, बहुत इन्जॉय करते थे, बट जब 10 दिन के बाद घर आते थे तो सब एक ही बात कहते थे, आपका रंग इतना काला कैसे हो गया, क्या करते रहे पूरा दिन। तो मुझे आज याद आता है, काश उस समय कोई हमें सनस्क्रीन्स मिल जाती, उस समय हमें पता होता सनस्क्रीन्स का, उनको अप्लाई करके हम अपनी स्किन को सन की जो हार्मफुल रेज हैं उससे बचा पाते। और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो इसका SPF है वो 30 है। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब सूरज से बचाने वाला जो प्रोटेक्शन फैक्टर है इट इज़ 30। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, कई कंपनीज इससे बहुत कम बनाती हैं। तो कम होने का क्या है प्रॉब्लम, कि अगर ये बहुत कम होगा तो फिर आप इसको लगाएं ना लगाएं फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि सन की जो रेज होंगी वो आपकी स्किन पे पड़ जाएंगी और उनका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आ जाएगा। सो उसको लगाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर ये बहुत ज़्यादा होगा, वो भी नुकसानदायक माना जाता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। सो 30 जो है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली सफिशेंट है। और ये बेसिकली एक लेयरिंग, एक कोटिंग बना देता है हमारी स्किन के ऊपर कुछ घंटों के लिए। जब भी हम स्विमिंग करने जाएं, जब भी हम आउटिंग पे जाएं, देखें हम फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, किसी बीच पे गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत क्लियर होता है। सो जब सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, हम बीच पे एंजॉय करने के लिए गए हैं, अब ये तो है नहीं कि हम होटल में बैठे रहेंगे, ऑब्वियसली एंजॉयमेंट तभी होगी, हम वहाँ घूमेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, राइट, जॉगिंग करेंगे, तो सन की रेज जो है उस समय हमारे ऊपर पड़ती रहेंगी। तो वहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है आप अपने फेस को, अपनी गर्दन को, अपने हाथों को अच्छे से इससे कवर कर लें, ताकि 2-3 घंटे जब आप सन में हैं तो सन की हार्मफुल रेज जो हैं वो आपको कम से कम नुकसान करें। मान लीजिए उनका नुकसान 100% होना था बट आपको 25-30% हुआ, तो 70% हमने अपनी स्किन को बचा लिया। तो टैनिंग जो होती है सन में घूमने के बाद, उसमें मैंने देखा एकदम गिरावट आ जाती है अगर हम प्रॉपरली इसको यूज़ करें। इसको कुछ घंटों के बाद आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप सन में हैं, आप बीच पे घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो जनरली मैंने देखा है वहाँ मॉइस्चर भी होता है बीचेस पे और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से पसीने से क्रीम जो है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट कुछ घंटों के बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो हम थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम सन में बीचेस को, होटल्स को, घूमने फिरने को एंजॉय कर पाएं। मैं इस प्रोडक्ट को हमेशा अपने पास रखता हूं, चाहे मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में घूम रहा होता हूं। आई रिमेंबर मैं दुबई गया, मैं लंदन गया, मैं पेरिस गया, इटली गया, US गया, मैक्सिको गया, स्वीडन गया, हांगकांग गया, सिंगापुर गया, बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने विज़िट की, बट आई रिमेंबर वन थिंग, मैंने हमेशा अपने पास, जब से मुझे पता चला इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने हमेशा इसको कैरी किया। इवन आज मैं मार्केट भी निकलता हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को वियर करता हूँ, ताकि मुझे सन की रेज का इफ़ेक्ट कम से कम पड़े। और ये है हमारा एक बी हाइव का प्रोडक्ट, रॉयल जेली। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, रॉयल जेली, इसको फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में कई तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, एक नॉर्मल मधुमक्खियाँ होती हैं और आपने सुना होगा एक रानी मधुमक्खी होती है। तो रानी मधुमक्खी के लिए नॉर्मल मधुमक्खियाँ एक स्पेशल शहद बनाती हैं वाइट कलर का। तो रानी मधुमक्खी जब उस शहद को खाती है तो उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लीट फूड भी कहा जाता है। अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए इसको एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। और ये है हमारा एक्टिव HA। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिव HA, हमें एक्टिव हेल्दी रहने के लिए हमारे जॉइंट्स की लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सो जॉइंट हेल्थ, जॉइंट केयर, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आज हम जिस युग में हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ में अपनी केयर नहीं कर पाते। सो जॉइंट केयर के लिए एक्टिव HA एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें हल्दी और अदरक के बड़े ही स्पेशल गुण हैं। इसको एज ए फूड सप्लीमेंट हम अपनी जॉइंट केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा वाइटलाइज। इसमें विटामिन D,
इसमें विटामिन ई, विटामिन B6, ऐसे बड़े ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं। इसको हम अपनी डेली वाइटैलिटी को मेंटेन करने के लिए एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, गार्लिक थाइम। गार्लिक और थाइम जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे फूड सप्लीमेंट्स माने जाते हैं। ये हमारी बॉडी की क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी डाइजेशन के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हम सब जानते हैं लहसुन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए एक बड़ा अच्छा फूड सप्लीमेंट है। लहसुन हमारे घर में सदियों से यूज़ होता है। हमारे बुज़ुर्ग घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो उनमें लहसुन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो लहसुन और थाइम जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बॉडी की क्लींजिंग का बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी वेंस को, आर्टरीज़ को जो साफ रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए इसका यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैं और मेरे पेरेंट्स इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और ये है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, फील्ड्स ऑफ ग्रीन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन मतलब हरियाली के खेत। हम सब जानते हैं ग्रीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो बहुत सारे लोग हमने देखा होगा अपने घर में भी ग्रीनरी जो है उगाने की कोशिश करते हैं, बट समय कम है या जो भी रीजंस हैं, या अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी नहीं मिलते। तो इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, इसमें है वीट ग्रास, बार्ले ग्रास, हनी, कायने पेपर और फ्रूट्स पाउडर। बार्ले को हिंदी में जैसे हम जौ बोलते हैं, तो जौ जो होते हैं वो भी हमारे खून को बनाने में, साफ रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बॉडी के लिए उनका यूज़ बहुत अच्छा होता है। सो बार्ले एंड वीट ग्रास दोनों के टेंडर शूट्स, टेंडर शूट मींस जब उनके पौधे बिल्कुल नन्हे नन्हे होते हैं, जब वो फ्रेश पौधे उगते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। उस एज में उनको काट कर, उनको पाउडर की फॉर्म में बनाकर, टैबलेट्स बनाकर हमें दी जाती हैं, ताकि हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे फूड सप्लीमेंट के रूप में उसे यूज़ कर पाएँ और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये आयरन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है और हम सब जानते हैं आयरन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये है एवोकाडो सोप। बेसिकली एवोकाडो के बारे में हम सब जानते हैं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एवोकाडो अपने आप में एक फ्रूट होता है। इसमें बेसिकली एवोकाडो है और साथ में एलोवेरा। एलोवेरा के गुण हम जानते ही हैं। सेम एवोकाडो जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एज ए फ्रूट उसको खाया भी जाता है, बहुत अच्छा फल होता है। हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा फल माना जाता है। और यहाँ पे हमें उस फल के और एलोवेरा के गुण मिल रहे हैं एक साबुन के रूप में। हम इसको डेली यूज़ कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छे साबुन के रूप में। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो लिप्स। बेसिकली एलोवेरा से बना हुआ एक लिप बाम है। इसमें साथ में बीस वैक्स भी है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो एलोवेरा और बीस वैक्स से हम अपने लिप्स की डेली केयर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो हीट लोशन। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, एलो हीट लोशन। हम जनरली बैक पेन या कोई ना कोई एक फील करते हैं, नेक स्टिफनेस, बैक पेन, जॉइंट पेन, तो वहाँ पे हम इसको एज ए बाम के रूप में जब अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन में हीट पैदा करता है और थोड़ी देर में ही हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है MSM जेल। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है MSM जेल, तो इसमें है एलोवेरा और साथ में है MSM और विटामिन ई। ये हमारी जॉइंट केयर का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम अपने जॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन है वो अच्छी बनी रहे। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोटर्म। एलोटर्म बेसिकली एलोवेरा और हल्दी से बना होता है। ये छोटी छोटी टैबलेट फॉर्म में बना हुआ है। जब हम इस एक टैबलेट को खाते हैं, अपनी जीप पर रखते हैं, तो ये सीधा ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपना काम शुरू कर देती है। ये भी जॉइंट के लिए, स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है। इसको हम चाहें तो रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। एलोटर्म एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हल्दी और एलोवेरा, इन दोनों का आयुर्वेदा में बहुत वर्णन है। ये दोनों बहुत प्यारे प्रोडक्ट हैं।
हम रेगुलरली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अपनी कार में अपने पास हमेशा रखता हूँ, कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ तो अपने ब्रेथ को फ्रेश करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गले के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमें पता है गर्मियाँ हैं इस समय, इवन चाहे सर्दियाँ हों, सर्दियों में तो और भी गले में कुछ ना कुछ हमें फील होता रहता है। तो यहाँ पे हम जस्ट एक एलोटर्म निकाल के अपने मुंह में रख लेते हैं, ये धीरे 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 हमारे अंदर जाती रहती है, क्योंकि एलो और टर्मरिक ये दोनों गले के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वो हमारे गले के लिए एक टॉनिक का काम करती है, तो हमारे गले के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। गर्मियों में मैंने देखा, खासकर बाहर गर्मी होती है, गाड़ी में हम एसी ऑन करते हैं, जैसे हम गाड़ी में से निकलते हैं तो बाहर फिर गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे गले के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट करती हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को गर्मियों में गला ख़राब होना या कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। तो अगर हम पहले ही केयर कर लें, पहले ही गले को कुछ न्यूट्रिशन देते रहें हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, स्किन को बैक्टीरिया से बचा के रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एलोवेरा और हल्दी। तो इन दोनों का एक कम्बिनेशन जब हम लेते रहते हैं, दिन में 2-3 बार इसको 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नीड हो तो वो गले को अच्छा रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर गार्सिनिया। ये वेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोगों में एम्प्टी क्रेविंग्स की फीलिंग आती है, बार बार लगता है मुझे भूख लग रही है, एम्प्टी क्रेविंग्स बिना बात के, खाने पीने के बाद भी। उन एम्प्टी क्रेविंग्स को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉरएवर गार्सिनिया। गार्सिनिया एक फल होता है बेसिकली, जैसे आज सभी लोग अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी भूख को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गार्सिनिया एज ए फूड सप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो हम अपनी वेट मैनेजमेंट में अपनी बॉडी की बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ये है हमारा R3 फैक्टर। R3 तीन तरीके से काम करता है, रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यू। जब ये हमारी स्किन पे तीन तरीके से काम करता है तो हमारी स्किन बहुत अच्छा फील करती है। R3 फैक्टर स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे लगता है स्किन केयर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये है हमारा इन्फानाइट क्लींजर। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन को साफ़ करना, स्किन को क्लीन करना, ताकि दिन भर की जो धूल है, जो गंदगी है, जो पसीना है, वो सारा स्किन से निकल जाए। सो क्लींजर से हम पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ कर लें। सो स्किन को क्लीन करने के बाद हम यूज़ करते हैं इन्फानाइट फर्मिंग सिरम। सो ये जो फर्मिंग सिरम है ये स्किन को नरिश करता है, स्किन को बहुत स्मूथ, बहुत सफल बना देता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इन्फानाइट रीस्टोरिंग क्रीम, जिसका पर्पस है आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को रीस्टोर करना। स्किन में से मॉइस्चर निकलेगा तो स्किन जो है जल्दी जल्दी ख़राब होती जाएगी। तभी कहा जाता है कि स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें, कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करके रखें, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। सो यहाँ हमें मौका मिलता है एलोवेरा बेस्ड एक बहुत ही अच्छी क्रीम अपनी स्किन पर अप्लाई करने का। सो हमारे पास दो टाइप की रेंज है, एक इन्फानाइट रेंज है और एक सोनिया रेंज है। इन्फानाइट जैसे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रेंज है, और सोनिया जो है वो एक थोड़ा नॉर्मल रेंज है। सोनिया में भी सेम प्रोसेस है, पहले हमारे पास आता है सोनिया स्किन क्लींजर। सो हम अपने फेस को ऑफिस से आने के बाद अच्छे से धोएं पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ, और सोनिया क्लींजर को यूज़ करें, ताकि हमारी डीप क्लींजिंग हो, फेस अच्छे से साफ हो जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर इल्यूमिनेटिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों का पर्पस है स्किन को अच्छे से साफ करना और फिर स्किन को मॉइस्चराइज करना। स्किन का मॉइस्चराइज्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है हमारा अल्फा ई फैक्टर। हम सब जानते हैं विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ हमें मौका मिलता है अपनी स्किन के ऊपर विटामिन ई को अप्लाई करने का। इसके जस्ट 3-4 ड्रॉप्स भी अगर आप अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे अप्लाई करते हैं किसी भी क्रीम में मिक्स करके, जैसे मैंने आपको बताया इन्फानाइट रीस्टोरिंग क्रीम या सोनिया मॉइस्चराइजिंग क्रीम या नॉर्मल फॉरएवर एलो क्रीम्स,
उनके अंदर आप मिक्स करके इसको स्किन में अप्लाई करते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन को नरिश करना शुरू करता है और कुछ ही महीनों में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखते हैं अपनी स्किन में। सो कोई भी प्रोडक्ट जब आप स्किन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप आप अल्फा ई फैक्टर की मिक्स कर देंगे तो वाइटमिन ई जो है ये हमारी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही स्किन को वाइटमिन ई मिलता है तो स्किन में जो एजिंग कॉज हो रही होती है बहुत फास्ट, वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब आपकी स्किन जो है वो काफ़ी समय तक आप उसको अच्छा रख सकते हैं और स्किन की जो ड्राइनेस है वो आप फील करेंगे वो कम हो रही है जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। कोई भी क्रीम हमारे पास, जैसे मैंने आपको बहुत सारी क्रीम्स बताई हैं स्किन के ऊपर लगाने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको हमारी नॉर्मल सोनिया रेंज बताई, एलोवेरा और कुछ हर्ब्स के साथ बनी हुई सोनिया केयर, तो उन प्रोडक्ट्स को जब आप स्किन पे अप्लाई करते हैं उसमें आप कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो अल्फा ई फैक्टर की डाल सकते हैं ताकि आपकी स्किन को और नरिशमेंट मिले, आपकी स्किन और बेटर फील करे। और जैसे हमारे पास प्रीमियम रेंज है इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट की क्रीम्स जब हम अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है हम विटामिन ई की डाल सकते हैं अल्फा ई फैक्टर की। तो बिल्कुल सिंपल काम है, कोई भी क्रीम जब आप अप्लाई करने लगें आप अपनी स्किन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा उस क्रीम को रख दीजिए, एक दो ड्रॉप्स जो है डालकर आप फटाफट उसको मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल यूज़ है, रेगुलरली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। ये है हमारा एलो एक्टिवेटर, ये एक बड़ी ही प्योर फॉर्म में एलोवेरा को बड़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाया गया है ताकि आप इसको अपनी स्किन पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकें। तो आप अपने चेहरे पे, आप अपने गले पे, आप अपने हाथों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको किसी क्रीम के साथ मिक्स करके भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा मास्क पाउडर, इसको यूज़ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा मास्क पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा आपने एलो एक्टिवेटर डाल देना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपने छोटा सा एक पैक बन जाएगा उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और एलोवेरा और इन सारी चीज़ों के जो गुण हैं वो आपकी स्किन को जब मिलेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा होता हुआ देखेंगे। अब हम बात करेंगे एलो बायो सेलुलस मास्क की। मास्क स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आप पुराने समय से भी देखेंगे तो मास्क का यूज़ बहुत ज़्यादा होता आया है। ये एलोवेरा से बना हुआ मास्क जिसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो स्किन को जब मिलता है कुछ समय के बाद जब हम इसको हटाते हैं तो हमारी स्किन सॉफ्ट सपल हम फील कर सकते हैं। मैं जब इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, आप भी इस प्रोडक्ट को बहुत लाइक करेंगे। और ये है हमारा एलो शेव जेल, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हम जब शेव करते हैं स्किन पे कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं क्रीम्स, अब उन क्रीम्स के अंदर क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल हैं, अच्छे हैं या हार्मफुल हैं, वी डोंट नो, बट यहाँ पे इसका जो बेस है प्रोडक्ट का वो एलोवेरा है। इसको जब हम अप्लाई करते हैं आप जस्ट एक दो बार कुछ ड्रॉप्स इसके निकालते हैं, आप फोमिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी ईजिली झाग बनती है, स्किन जब आप शेव करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है और मैंने एक चीज़ फील की स्किन में मॉइस्चर रिटेन रहता है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल या बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस नहीं होती, बड़े अच्छे लेवल पर इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और हम इनको डेली यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सालों से इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। नॉर्मल क्रीम्स में हमने कई बार देखा जैसे हम शेव करते हैं ना तो उसके बाद स्किन पर रैशेज आ जाते हैं या स्किन हार्ड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो बताती हैं कि उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको कभी ऐसी हार्डनेस वाली फीलिंग नहीं आती, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे मैरीन मास्क के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट स्किन केयर सेगमेंट में। स्किन केयर सेगमेंट जो है ये बहुत बड़ा है, हमारे पास स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये अगेन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर मास्क लगाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अगर हम स्किन केयर की बात करें,
क्योंकि स्किन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो कंपनी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रोडक्ट को बनाती है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। मरीन मास्क के अंदर एलोवेरा होता है, इसके अंदर कुकुम्बर होता है। कुकुम्बर स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो एलोवेरा और कुकुम्बर जब ये मिल जाते हैं तो स्किन के लिए एक अच्छे टॉनिक का काम करते हैं। हम इसको हफ्ते में 2 बार 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही इस प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं तो हम अपनी स्किन को अच्छा होते हुए देख सकते हैं। मैं जब कहीं ट्रैवल करता हूँ तो इस प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करता हूँ ताकि मैं अपनी स्किन की प्रॉपर केयर कर पाऊँ। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एपी ब्लैंक। हमने देखा है कई बार छोटे छोटे डॉट्स स्किन पे बन जाते हैं और वो कई बार बढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं। तो एपी ब्लैंक का जो बेसिक काम है कि आप थोड़ी सी अमाउंट इस प्रोडक्ट की उन डॉट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे फील करेंगे आपकी स्किन बेटर हो रही है, और जो डॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, वो हल्का सा थोड़ा सा आप फील करेंगे वो थोड़ा सा पहले से लाइट हुए हैं जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। सो इन प्रोडक्ट्स को हम जब यूज़ करते हैं बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एलोवेरा इन सब का बेस है, और हम सब जानते हैं स्किन केयर में एलोवेरा का बहुत बड़ा रोल है। आज दुनिया भर की कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं, हमें पढ़ने का मिलता है कि उसमें एलोवेरा डला हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको रेगुलरली हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा फॉरएवर एलो स्क्रब। ये स्क्रब मुझे बहुत ही खास लगता है क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है जो स्क्रब्स मिलते हैं उनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत आड़े तिरछे और तीखे नोकीले होते हैं, वो स्किन को बहुत ज़्यादा रब कर देते हैं, ऐसे लगता है जैसे स्किन छिल गई हो। जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये मुझे बहुत सॉफ्ट, बड़ा नॉर्मल सा लगा। तो हम एज ए स्क्रब जब इसको यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर आपको 1 मिनट में ही यूज़ करते ही फील होता है कि ये कितना हाई क्वालिटी का, कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये हमारी स्किन को छीलता नहीं है, बस उसके ऊपर जो डेड लेयर होती है, जो हमारा पर्पस होता है स्क्रबिंग का, कि ऊपर वाली डेड लेयर को हल्के हाथों से हल्का सा टच करते हुए हमने उसको निकालना होता है, ये खाली उसी के ऊपर काम करता है। और एलोवेरा बेस्ड होने की वजह से ये स्किन के लिए बहुत अच्छा स्क्रब है। और ये है अवेकनिंग आइज क्रीम। बेसिकली हम सब जानते हैं आजकल भाग दौड़ है, लैपटॉप मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, तो एजिंग के हिसाब से धीरे धीरे हमारी आइज़ के आसपास हमें सर्कल्स नज़र आते हैं। सो कुछ चीज़ों की कमी होने की वजह से भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। सो अवेकनिंग आइस क्रीम का पर्पस ही यही है कि हम अपनी आइस के आसपास की स्किन को नरिश कर पाएं। इस प्रोडक्ट को हम रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं हमारे सैनिटाइजर्स। हम जानते हैं, आज हम सब सीख चुके हैं कि हमें अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बहुत सारी इन्फेक्शंस, बहुत सारे बैक्टीरियाज, किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं तो हमारे हाथों को लग जाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं वही बैक्टीरियाज हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी पैकिंग में बड़े ही प्यारे सैनिटाइजर्स आते हैं जिनको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, जब चाहें हाथों पे कुछ ड्रॉप्स लगाकर जस्ट इसको हम ऐसे हाथों को रब करते हैं और हमारे हाथ जो हैं, जो मेजर जो जर्म्स होते हैं वो उनसे फ्री हो जाते हैं। हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, वो जनरली कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए हमें मार्केट हम गए हैं, हमें कुछ ख़रीदना है तो हम क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट हम बाय करेंगे, अब वो प्रोडक्ट कब से पड़ा हुआ है, उस दुकान में कितना मॉइस्चर है, कैसे कैसे बैक्टीरियाज हैं, वी नेवर नो। हमने उस प्रोडक्ट को बाय किया, मॉइस्चर बैक्टीरियाज हमारे हाथों पर आ गए। सेकेंड, हमने उसके बाद पैसे गिनकर उसको दिए जब उस व्यक्ति को, तो पैसों के ऊपर जो करेंसी नोट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, मेडिकल साइंस ने भी बताया है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कई बार, करेंसी नोट्स के ऊपर, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। सबसे मेजर रीज़न होता है, बहुत सारे लोग नोट गिनने के समय पर, पैसों को गिनने के टाइम पर उस पे अपना स्पिट लगाते हैं, तो जब स्पिट नोटों के ऊपर लगेगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं
एक नोट लाखों आदमियों के हाथों में से निकला हो, हजारों लोगों ने उस पर अपना स्पिट, अपनी थूक लगाई हो? कैन वी टच सच नोट्स जिनके ऊपर लाखों बैक्टीरियाज हों? नो, बट हमारी मजबूरी है, हमें पैसे लेने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरियाज हमारे हाथों में आ जाते हैं। वैसे ही हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, वैसे ही घर पहुंच जाते हैं, वैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, वैसे ही वो बैक्टीरियाज हमारे घर के अंदर जाते हैं, हमारे कपड़ों को हम हाथों से टच करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे चल के कई लोगों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या कह लीजिए जिनकी डाइजेशन थोड़ा वीक होती है, उनके लिए वो स्किन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या बेटर नहीं होगा हम अपने हाथों की अच्छे से सफाई रखें? ये मेरी तरफ से वैसे भी एक गाइडेंस है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो आई नो। मेरा तो ये मानना है हेल्थ और फिटनेस से ऊपर लाइफ में कुछ भी नहीं है, पैसे के भी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने लाखों लोगों को यही सिखाया है कि सबसे पहले बॉडी को साफ रखें, क्लीन रखें। और ये भी एक टिप है कि जब आप पैसे लें तब अपने हाथों को ज़रूर साफ करें, धोएं, अपने पास सैनिटाइज़र रखें, ताकि जैसे ही आपने नोट्स लिए या कुछ ऐसी चीज़ रिसीव की या पैसे दिए आपने किसी को, उसी समय आप अपने हाथों पे एक दो ड्रॉप जो है सैनिटाइज़र की डालकर आप जस्ट रब कर सकते हैं, और कुछ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि इनमें अल्कोहल होता है, आपके जो हाथों पे बैक्टीरियाज लगे हुए हैं वो कुछ ही समय में धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सो सैनिटाइज़र्स को आप अपनी कार में रखें, बट हाँ, सैनिटाइज़र्स को धूप में मत रखें, किचन में आग के पास मत रखें। कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में जिसमें अल्कोहल हो, तो उसको आप धूप से, और जो आपका गैस है, स्टोव है जो बेसिकली, उससे दूर रखें, ताकि किसी भी तरह वो आग ना पकड़े। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रिसेंटली हमने देखा सैनिटाइज़र की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा सैनिटाइज़र क्या होता है, मैंने उनको भी देखा, उन्होंने अपनी पॉकेट में, अपने पास, या इवन आज किसी मॉल में भी अगर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बाहर उन्होंने सैनिटाइज़र्स रखे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करके फिर अंदर आएं, ताकि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपके साथ एंटर ना करे और दूसरे लोगों को हार्मफुल कोई भी उसका प्रभाव ना पड़े। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये है MPD। MPD, जैसे इसके नाम से हम समझ सकते हैं, MPD, मल्टीपर्पज़ डिटर्जेंट। तो ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। मैं सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम बर्तन यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा इसका बेस है, और इसको हम लॉन्ड्री सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, कपड़े इससे साफ, हल्के, सॉफ्ट रहते हैं। जब हम इससे बर्तन धोते हैं, एक तो बर्तन बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये है कि जब हम बर्तनों को धोते हैं तो हम जानते हैं कि जितना मर्जी हम बर्तन को धो लें, कुछ ना कुछ झाग उसमें रह जाती है, कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। तो जो वो कुछ ना कुछ रह जाता है वो क्या है? वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि MPD का जो बेस है वो एलोवेरा है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिलाए जाते। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नॉर्मल जो रूटीन यूज़ की चीज़ें हैं वही इसमें डाली जाती हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल करना होता है कंपनी ने। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हम इससे बर्तन धोते हैं, हम इसको कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, और हम इसको मॉपिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इससे शीशे साफ़ कर सकते हैं, फर्श को साफ़ कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो इसको एज ए कार वॉश भी यूज़ करता हूँ, गाड़ी के शीशे साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें देखी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि MPD को जब हम यूज़ करते हैं, तो जैसे नॉर्मल डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो हमारे हाथ जो हैं, स्किन जो है, वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो स्किन के लिए भी हार्मफुल होती हैं वो चीज़ें। बट जब हम इसको यूज़ करते हैं तो मैंने वो चीज़ कभी फील नहीं की कि स्किन बहुत ड्राई हो गई, हार्ड हो गई, या स्किन पे कोई प्रॉब्लम हम फेस जो करते हैं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा।
सो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसको यूज़ कीजिए एंड आई एम श्योर आपको भी ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगेगा। हमने आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग, कॉरपोरेट के बहुत सीनियर लेवल के लोग जो आज हमारे साथ इस सिस्टम में हैं, वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग ट्रेनिंग्स लेने आते हैं हेल्थ के बारे में सीखने के लिए, और अपने करियर को कैसे बनाया जाए, करियर में आगे कैसे बढ़ा जाए, तरह तरह के स्किल्स हम यहाँ पे देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लोग जो यहाँ पे आते हैं, कुछ साल हमारी ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे उनके करियर में, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे लाखों लोग हमारी ट्रेनिंग्स का इतना फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी हमारे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनकर हमारी ट्रेनिंग्स का बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और बहुत सक्सेसफुल होने के बाद मैंने अपने जीवन का सिर्फ एक ही गोल बना लिया कि मैं दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँ, ताकि मेरे जैसे बाकी लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, अच्छी लाइफ जी पाएँ और अच्छा करियर बना पाएँ। हम करियर के लिए बहुत ही स्पेशल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, आप उनका पार्ट बनकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रहें, हम बहुत सारे स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके करियर में, आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम वो सब फ्री में सिखाते हैं। आप बस हिम्मत कीजिए सीखने की और हमारी ट्रेनिंग्स आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आई एम श्योर मैंने जो आपको बताया आपको ये अच्छा लगा होगा, बट आप जानकर हैरान होंगे, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये मेरी नॉलेज का 1% है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इन प्रोडक्ट्स के बारे में, हार्डली 1% मैंने बताया है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो कैन यू इमेजिन जब आप हमारी और ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आप बहुत लक्की फील करेंगे कि आपको अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए ऐसे फूड सप्लीमेंट, और वो भी ऐसी कंपनी के जो पहले ही 43 ईयर्स से 160 देशों में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करा रही है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह इन प्रोडक्ट्स के फ़ैन हैं। आप हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहिए ताकि आपको और नॉलेज मिले, ताकि आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखने में उनकी मदद कर पाएं। बेस्ट ऑफ लक।